नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, शीघ्र पतन नामर्दी का एक बहुत ही शानदार नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूँ। ये फार्मूला दोस्तों इतना ज़बरदस्त है कि एक महीना अगर इसे इस्तेमाल कर लिया तो पुरानी से पुरानी शीघ्र पतन नामर्दी ठीक हो जाएगी। और दोस्तों, दूसरी इस फार्मूले की खासियत ये है कि कोई भी मेरा भाई, अनजान भाई, इसे आसानी से घर पर बना लेगा। अब दोस्तों, इस पूरी वीडियो को आपको देखना है और इस फार्मूले को बनाना है और इस्तेमाल करना है। दोस्तों, बहुत ही शानदार टाइमिंग और तनाव का ये नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ। और ये दोस्तों बस एक वजह है कि ये इतने कीमती फार्मूले मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी वजह दोस्तों, आयुर्वेद बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, आयुर्वेद बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है और बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, आयुर्वेद ही है जो बीमारियों को जड़ से ख़त्म करता है, आयुर्वेद ही है जो बीमारियों को जड़ से ख़त्म करता है। बाकी एलोपैथी तो वो चीज़ है दोस्तों। एक मैं आज आपको बात बता रहा हूँ, सोचो आप और अपने आसपास देखो कि कोई भी इंसान जो एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, उसे कोई भी बीमारी है जो एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, वो ज़िंदगी में कभी ठीक नहीं हुआ। जब तक जिएगा दवा खाएगा और हमेशा बीमार रहेगा। ये दोस्तों, इस चीज़ को मैं नहीं कहता, आप अपने आसपास अपनी रिश्तेदारी में इस चीज़ को देखें और उसके बाद ये वीडियो में आप कमेंट करें। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये कि आज के टाइम पे तो दोस्तों फिर भी काफ़ी सुधार हो गया, लोग एक दूसरे को फार्मूले दे देते हैं, मगर पुराने बुजुर्ग अब दोस्तों क्या करें, उन्हें बुरा भी नहीं कह सकते क्योंकि उनके हम बच्चे हैं, ठीक है। और गुस्सा भी बहुत आता है, इतने कीमती कीमती फार्मूले वो अपने साथ लेके चले गए, बताए नहीं उन्होंने। अब दोस्तों, हमारे यहाँ पर एक वैद्य जी हुआ करते थे और इतने तगड़े वैद्य थे कि आज के ज़माने में तो ढूंढने से नहीं मिलेगा, कोई होगा ही नहीं शायद, इस तरीके के वैद्य थे। वो नामर्दी का इस तरीके का ट्रीटमेंट करते थे कि दो तीन पुड़िया दी, बंदे की नामर्दी ख़त्म। कोई भी बीमारी, खाली नामर्दी नहीं, कोई भी बीमारी है, किसी को टीवी है, दमा है, कैंसर है, कोई भी बीमारी हो, बस तीन चार पुड़िया दी, बंदा सही, इस तरीके के वैद्य। अब दोस्तों, मतलब इस तरीके के वैद्य होने के बावजूद आज उनके पोते मजदूरी कर रहे हैं, लोगों के खेतों में दिहाड़ियां मजदूरियां कर रहे हैं, और उनके पोते का अपनी पत्नी से तलाक हो गया। तलाक होने का कारण क्या था? नामर्दी। तो मतलब एक गहराई से सोचो कि इस तरीके के जो वैद्य थे, जो इस तरीके की इतनी पावरफुल दवाइयाँ देते थे, उनके पोते का रिश्ता नामर्दी की वजह से टूटा। क्यों? क्योंकि वो अपना हुनर नहीं दे के गए। अगर वो अपना हुनर दे के गए होते तो उनकी ज़िंदगी में ये मुसीबत नहीं आती। तो इसी तरीके से हजारों वैद्य, बुजुर्ग, सन्यासी फार्मूले अपने साथ लेके गए, नहीं बता के गए। तो अब कुछ महान विद्वान थे जिन्होंने ग्रंथ लिखे, लोगों को बताया आयुर्वेद के बारे में, नुस्खे बताए, तो उनकी वजह से आयुर्वेद आज भी जिंदा है। और दोस्तों, जो आयुर्वेद कभी पहले हुआ करता था उसका तो आज एक लाखवां हिस्सा आज के टाइम पे आयुर्वेद बचा है, नहीं तो एंड पे है कहानी। और फिर दोस्तों, थोड़ा ये पिछले कुछ सालों में, चार पाँच सालों में आयुर्वेद तरक्की कर रहा है, सोशल मीडिया के ज़रिए भी काफ़ी फार्मूले वैद्य भाई बताते हैं और लोग उनका इस्तेमाल करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। कुछ फार्मूले नहीं भी काम करते हैं, कुछ करते हैं। अब दोस्तों, कुछ बनाने की भी कमी हो जाती है, सही से बंदा बना नहीं पाता, इस वजह से फार्मूले पूरा काम नहीं करते। कुछ लोग सही से बताते भी नहीं हैं, तो ये भी वजह हो जाती है। कुछ लोग मेहनत भी नहीं करते, ये भी कारण हो जाता है।
दोस्तों एक टाइम वो था जब लोग देशों विदेशों से आके हमारे यहाँ साधु संतों से इलाज करवाते थे, और कुछ जो विदेशों में बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे उनका इलाज यहाँ से वैद्य जाके वहाँ पे करके आते थे। इतनी तगड़ी पावर थी आयुर्वेद की। तो आज बिल्कुल एक एंड सा होता दिख रहा आयुर्वेद का। बाकी दोस्तों एक चीज़ मैं अपने तजर्बे की यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अभी पीछे मैंने क्लासें स्टार्ट की थी, कुछ स्टूडेंटों को मैंने ट्रेनिंग दी थी, ठीक है। तो वो मेरे स्टूडेंट, उनमें से कुछ स्टूडेंट तो खाली अपनी जॉब वगैरह करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, फार्मूले नहीं बनाते। मगर कुछ स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं जो ये काम कर रहे हैं, और बहुत सारे मरीजों को उन्होंने ठीक किया। अब कुछ मरीजों के मेरे पास मैसेज आए, और कुछ मेरे स्टूडेंटों ने बताया कि गुरुजी हमने इनका ट्रीटमेंट किया, इन्हें इस तरीके से फ़ायदा हुआ। तो कुछ मेरे स्टूडेंटों ने उन मरीजों से बात करवाई जिन्हें उन्होंने ठीक किया। तो दोस्तों ये मतलब इतनी खुशी होती है, मतलब इतनी ज़्यादा खुशी होती है जब कोई हमारा चेला किसी का इलाज करता है, उसे ठीक करता है। तो दोस्तों मतलब एक जो अंदर से खुशी होती है, मतलब उसकी तुलना किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती। और फिर दोस्तों जो वो वैद्य भाई दुआएं देते हैं, हमारे स्टूडेंट दुआएं देते हैं, और आगे जो उनके बच्चे हमें दुआएं देंगे, तो उसकी दोस्तों कोई कीमत नहीं। वो चीज़ अनमोल है, वो चीज़ अनमोल है। तो यहाँ पे मैं अपने इस एक्सपीरियंस के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। बहुत सारे मेरे वैद्य भाई भी वीडियो देख रहे होंगे और देखते ही हैं, तो उन वैद्य भाइयों से मेरा एक पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप अपने फार्मूलों को अपने तक ही ना रखें, आगे अपने बच्चों को सिखाएं, अपने चेलों को सिखाएं, और आयुर्वेद को फिर से एक नए लेवल पे पहुंचाएं। अब कुछ मेरे स्टूडेंट नए नए फार्मूले बना रहे हैं, नई नई रिसर्च कर रहे हैं, कुछ में उन्हें कामयाबी मिल रही है, कुछ में नहीं मिल रही। तो अभी दोस्तों कितना टाइम हुआ है, मतलब अभी 2 महीने भी नहीं हुए उन्हें मेरे पास से ट्रेनिंग लेके गए हुए, और वो इस तरीके से इलाज कर रहे हैं लोगों का, और इतनी ज़्यादा मतलब खुशी मुझे हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों फ़िलहाल अब मुद्दे की बात पे आते हैं। जो नुस्खा आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो फटाफट मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। आपको 10 ग्राम शिंगरफ ले लेनी है शुद्ध। शुद्ध करने के लिए 10 ग्राम शिंगरफ की डली को सूती कपड़े में लपेट के 1 लीटर दूध में रख देना है, और नीचे आग जला देनी है, दोलाई जंत्र कर देना है, उससे शिंगरफ शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 1 किलो प्याज ले लेने हैं, प्याज कोई भी आप ले लें, प्याज होने चाहिए। उसका लुगदा बना लेना, चटनी बना लेनी, उसमें उस शिंगरफ की डली को रख देना लोहे की कढ़ाई में डाल के, और आग जला देनी है। शिंगरफ की डली प्याज के लुगदे के बीचों बीच हो, आग जलाएं, सारे प्याज जल जाएंगे, ये शिंगरफ की डली आपकी भस्म हो जाएगी। और जो मेरे भाई नए हैं जो पहले शिंगरफ भस्म नहीं बनाते, वो 2 बार कर लें ये प्रोसेस, 2 बार कर लें, शिंगरफ की भस्म 1 नंबर बन जाएगी, देखने की ज़रूरत नहीं है। जो अनजान बंदा है, बिल्कुल जिसे आयुर्वेद की जानकारी नहीं है, भस्में नहीं बनाता, वो भी इस तरीके से ये भस्म बना लेगा, बन जाएगी 100%। इसे घोट के खरल में रगड़ के इसकी चमक ख़त्म कर देनी है। अब दोस्तों इसमें 10 ग्राम कैंचुआ, 10 ग्राम रेगमाही, और 10 ग्राम लौंग, और 10 ग्राम ये हमारी शिंगरफ भस्म है, ये सारी चीज़ें मिला दें, और बीच में 2 ग्राम असली अंबर मिला दें। अगर अंबर मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो कोई बात नहीं। इन चारों चीज़ों को बढ़िया करके घोट के मटर के दाने के बराबर गोली बना लें, सुबह शाम 1-1 गोली दूध के साथ खानी है। दोस्तों कैसी भी शीघ्रपात नामर्दी की दिक्कत हो, ख़त्म हो जाएगी। अब दोस्तों इसे घोटना किस चीज़ में, वो मैं आपको बताता हूँ। इसे बड़ के दूध में घोटना है, बड़ के दूध में घोट के आप गोली बनाएं, बहुत ज़बरदस्त काम करेगी। अगर बड़ के दूध में आप घोटेंगे तो टाइमिंग पे बहुत ज़बरदस्त काम करेगी। अगर आप गुलाब जल या और किसी चीज़ में या पानी में ही घोट के इसकी गोलियां बनाते हैं, तो वो दोस्तों तनाव के लिए ही काम करेगी, टाइमिंग में काम नहीं करेगी। तो दोस्तों बाकी आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।